इस वीडियो में हम तीन और नए पेज स्पेशल के फीचर सीखने वाले हैं, कॉलम विड्थ, स्किप ब्लैंक और फॉर्मेट। एक एक करके हम इन तीनों को देखते हैं। कॉलम विड्थ, कभी कभी हमारी ज़रूरत होती है कि हम सारे कॉलम्स की विड्थ एक जैसी बना दें। यहाँ पर आप देख रहे हैं 6 अलग अलग कॉलम्स हैं डेटा के, और हर कॉलम की विड्थ एक है जिसमें अलग अलग तरह का डेटा है। हमारी ज़रूरत है हम इन सब कॉलम विड्थ को सेम बना दें। इसके लिए हम पहले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर कंट्रोल सी, और ये किसी भी जगह रखकर आप पहले कॉलम में आप कंट्रोल सी कर सकते हैं। उसके बाद टारगेट कॉलम्स को सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए डेटा के ऊपर जो सेलेक्ट किया है आपने, उसके ऊपर पेस्ट स्पेशल और कॉलम विड्थ के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, देखते हैं सारे कॉलम की विड्थ अब एक जैसी हो गई है। स्किप ब्लैंक्स में आप देख रहे हैं हमारे पास दो सेट डेटा है, दोनों सेट्स में कुछ कुछ डेटा मिसिंग है। हमें ये दोनों लिस्ट मर्ज करनी है। मर्ज करने का एक तरीका, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और कॉपी करते हैं तो ये कॉपी नहीं होता इधर, क्योंकि पहले का डेटा चला जाएगा और ब्लैंक स्पेस भी कॉपी हो जाएंगे, और इसका कोई और तरीका नहीं है। तो इसका एक सिंपल तरीका है पेस्ट स्पेशल। इसमें हम सोर्स को कॉपी करेंगे, टारगेट को सेलेक्ट करेंगे, टारगेट के ऊपर राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल में है स्किप ब्लैंक्स। जब हम ये स्किप ब्लैंक्स करते हैं तो क्या होता है कि जहाँ जहाँ पर ब्लैंक स्पेस होगा सोर्स का, वो उनको स्किप कर देगा और बाकी डेटा को कॉपी कर देगा। तो इसलिए स्किप ब्लैंक्स एंड ओके, हमारी दोनों लिस्ट मर्ज हो गई और एक कंप्लीट लिस्ट तैयार हो गई है। पर यहाँ पर एक छोटा सा कैच है, आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी टारगेट है टारगेट के सेल्स ब्लैंक होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम ये मानते हैं, हम इसको कलर कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेल। अब आप देखेंगे जब हम सोर्स को कॉपी करेंगे तो एक्सेल के ऊपर S7 कॉपी हो जाएगा हमारा। कंट्रोल सी, टारगेट हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल पे हमारे पास स्किप ब्लैंक्स है, और जैसे ही हम ओके करेंगे हमारा एक्सेल चला गया और एक्सेल के ऊपर डेटा आ गया। तो हमेशा जब दो लिस्ट को हम मर्ज करेंगे पेस्ट स्पेशल से, हमें ध्यान रखना है कि हमारा पुराना डेटा के ऊपर नया डेटा कॉपी ना हो जाए। तीसरा फीचर है फॉर्मेट। हमारी ज़रूरत होती है कि हम फॉर्मेट्स को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर कॉपी करें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसे कॉपी करने का डेटा हम कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, और फिर यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे और फिर इसको डिलीट करेंगे। ये एक तरीका है करने का। एक और भी सोफिस्टिकेटेड तरीका है जो पेस्ट स्पेशल में हमें हमारे पास, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। हम कंट्रोल जेड करते हैं, हमारा सोर्स हमने सेलेक्ट किया हुआ है, हम राइट क्लिक जाते हैं अपने टारगेट के ऊपर, टारगेट एरिया को सेलेक्ट करते हैं। आप पहले सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट्स। ओके, हमारा पूरा फॉर्मेट बिना डेटा के यहाँ कॉपी हो जाएगा। अब आप टाइप करके भी दे सकते हैं, यहाँ पर बहुत बड़ा फॉन्ट साइज हो गया है, जैसे कि यहाँ पर KMG था पुरानी लिस्ट में। नई लिस्ट में हम लोग एक और छोटा सा एक्सेल यहाँ पर देख सकते हैं, जो पुरानी लिस्ट में जहाँ पर S1 था। तो दिख रहे हैं कलर्स के साथ बाकी सारी फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो गई है।